पाकिस्तान दौरे पर पहुंचे जाकिर नाइक ने पाकिस्तान को पहली सलाह दे दी है। सलाह यह कि पाकिस्तान मुस्लिम देशों का अलायंस बनाए, उनका लीडर बने और इसराइल जंग में कूद जाए। जो मुल्क जन्म के 78 सालों बाद भी लड़खड़ा रहा हो, जो मुल्क दो दिन पहले ही IMF से कर्ज लेकर आया हो और इसका जश्न भी मना रहा हो, उस मुल्क को दूसरों की जंग में बेवजह टांग अड़ाने की ऐसी नेक सलाह कोई बहुत बड़ा हमदर्द ही दे सकता है। इसलिए तो पाकिस्तान एक महीने तक जाकिर नायक को सरकारी मेहमान बनाकर रखने वाला है। तो क्या पाकिस्तान युद्ध में भी कूदेगा, समझने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। जंग छिड़ी है इसराइल और ईरान में, लेकिन पाकिस्तान अपना एटम बम क्यों निकाल लाया? आपने मरना है, जब मरना है एक दिन मेरे एटम बम को रखे। अच्छा, तो एटम बम किस पे चलाएं? इंडिया पे और इसराइल पे चलाना चाहिए। ईरान ने इसराइल पर 200 मिसाइल बरसाई तो पाकिस्तान में भी मिसाइल निकल आई। गौरी मिसाइल का रुख आप इसराइल की तरफ करें, डायरेक्शन गौरी मिसाइल की उस तरफ कर दें। लोग ये रेकमेंड कर रहे हैं, ये सजेशंस दी जा रही हैं। अगर पाकिस्तान गौरी भी भेजे तो शायद गौरी भी उनका कुछ ना बिगाड़ सके। 2 बिलियन मुसलमान और दूसरे लोगों से भी क्वेश्चन है, क्या आप अंधे हो आंखों से इसराइल को स्टडी नहीं कर पाते वो किस तरीके से दुनिया के बेकाबज हो चुके हैं? नेतन्याहू को मोदी ने फोन किया तो पाकिस्तान में हड़कंप क्यों मच गया? मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं। नरेंद्र मोदी जब बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करते हैं तो भारत के अंदर जो दाएं बाजू की फोर्सेस हैं वो उछलती हैं, वो समझती हैं कि ये करना चाहिए, हमें बदला लेना है। एक इम्पोर्टेंट बात जो इनडायरेक्ट है कि इंडो इसराइल एक्सिस बन गया है। जो पेजर्स बेचे थे, जैसे बॉम्ब बने थे, वो इंडियन एक बंदे ने भेजे थे। ये ईरान का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। सोशल मीडिया पर कई इजरायली अकाउंट से इस पावर प्लांट का वीडियो शेयर किया जा रहा है। इशारा ये है कि ईरान ने मंगलवार रात जो किया उसके जवाब में इजरायल इसी पावर प्लांट पर हमला करके ईरान की कमर तोड़ देगा। इजरायल क्या करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी ये जंग पाकिस्तान में बड़े बड़े धमाके कर रही है। पाकिस्तानियों में होड़ लगी है कि जमीन के रास्ते ही इसराइल में घुस जाएं या फिर एटम बम ही मार दें। हमारा जनाब एक पंजाब के लोग चले जाए ना, पंजाब के आधे लोग या तीसरा हिस्सा चले जाए। अच्छा। इसराइल हमारा से नहीं लड़ सकता, पांच दुनिया की जो मर्जी। लेकिन सर उनके पास टेक्नोलॉजी बड़ी है, अभी पता ना पेजर के साथ जो उनसे वो अटैक किया है। जमीनी अटैक हो ठीक है, अफगानिस्तान के रास्ते जाए, ईरान जाए, ईरान से उधर जाए और जमीनी हमला करें और इधर से पाकिस्तान अपनी इमदाद करे। इसराइल ये है छोटा सा पोटा है। अच्छा। दुनिया का सिर्फ हमारी आवाम को कह दे के शाम को आवाम हमारी सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान को कह दे अपनी आर्मी ना भेजे तो ये आवाम नेस्तो नबूद ना कर दे तो मेरा नाम भी नहीं। हम बम बांध के उनके प्यारे तमाम उनके एयर बेस में चले जाएंगे। बम बांध के चाहे इंडिया कश्मीर का जो भी हो। आपने मरना है, जब मरना है एक दिन मेरे एटम बम को रखे। अच्छा, तो एटम बम किस पे चलाए? ये किन के लिए बनवाया? इसराइल के लिए। इंडिया पे और इसराइल पे चलाना चाहिए। ईरान और इसराइल की इस जंग पर शहबाज शरीफ खामोश है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी खामोश हैं। बोल रहा है तो बस पाकिस्तान का मेहमान बनकर आया जहरीला जाकिर नाइक। जाकिर नाइक ने कहा है कि पाकिस्तान को नेटो जैसा अलायंस बनाना चाहिए। जाकिर के मुताबिक पाकिस्तान को मुस्लिम देशों का गठबंधन बनाना चाहिए। जाकिर की सलाह है कि मुस्लिम देशों का लीडर पाकिस्तान बने और पाकिस्तान की अगुवाई में ये मुस्लिम अलायंस इसराइल से लड़े। जंग जो है वो हो रही है इसराइल और ईरान के बीच, लेकिन थरथली पड़ गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में यहाँ तक कहा जा रहा है कि लो फिर आया जे गौरी, वो कह रहे हैं गौरी मिसाइल का रुख आप इसराइल की तरफ करें, डायरेक्शन गौरी मिसाइल की उस तरफ कर दें। लोग ये रेकमेंड कर रहे हैं, ये सजेशंस दी जा रही हैं। जाकिर नाइक वहाँ पर पहुँच चुके, तो देखें जाकिर नाइक जब तक एक महीना रहना है, उन्होंने पूरे एक महीने का दौरा है उनका और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और स्टार्ट में ही, पार्टी के स्टार्ट में ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने वहां पर पहुंचते ही
ये ऑर्डर दिया है पाकिस्तान को कि आप फौरी तौर पर नेटो टाइप अलायंस तश्कील दें। पाकिस्तान को वो कह रहे हैं कि आप नेटो बना दें, बना लें एक नया नेटो। आईएमएफ के से कर्ज लेने वालों को आप कह रहे हैं वो अलायंस बना दें। पैन हो कि रहा है जाकिर नायक साहब को जरा सोचना चाहिए था कि आप किन कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप अलायंस बनाएं उनके उनके जैसा, मतलब पाकिस्तान आके सारा उन्होंने अपने सारी ख्वाहिशात और डिजायर्स ये सब उन्होंने पाकिस्तान आके कहनी और उनको कहना है, मुसीबत में डालना है तो पाकिस्तान को डालना है। मंगलवार रात ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। करीब 200 मिसाइलें इसराइल के एक एक कोने को टारगेट करके बरसाई गई, लेकिन इसराइल का दावा है कि करीब करीब हर मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली गई और अब बारी ईरान के परिणाम भुगतने की है। This attack failed. It was thwarted thanks to Israel's air defense system, which is the most advanced in the world. Iran made a big mistake this evening, and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our resolve to retaliate against our enemies. Sinwar and Daif did not understand this. Nasrallah and Mohsen did not understand this. And apparently there are those in Tehran who do not understand this. They will understand. ईरानी मिसाइलें तो इसराइल का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, शायद इसीलिए पाकिस्तान में गौरी मिसाइल और एटम बम निकालने की बातें शुरू हो गई हैं। मुस्लिम एकजुटता के नाम पर पाकिस्तानियों के दिमाग पर युद्ध का हिस्टीरिया सवार है और इसे हवा दे रहे हैं जाकिर नाइक जैसे उसके मेहमान। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं और इंडिया जो है इसराइल के साथ खड़ा है। मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि इसराइल, लिबनान, गजा और अब जो है ईरान की जानिब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको नहीं लगता कि ईरान ने जल्दबाजी कर दी नसरुल्ला का बदला लेने में? देखें, जो इसराइल है वो इस वक्त पूरी दुनिया से मैं समझता हूँ आगे जा रहा है। बाकी ईरान ने जल्दबाजी की है, लेकिन अगर हम एक वे में देखें तो ईरान ने अपने डिफेंस के डिफेंस में ये सब कुछ किया है। क्योंकि गुस्से से 100 मिसाइल चला देना, आपके 100 मिसाइल उन तक पहुंच ही नहीं रही। आप देखिए उनके पास आयरन डोम है, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब बदले में इसराइल आएगा तो ईरान कैसे खुद को बचाएगा? देखें, अगर उन्होंने 100 मिसाइल वहाँ पे दागे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे कोई एक आध मिसाइल भी जो है वो इसराइल का कुछ बिगाड़ पाएगा। उनका एक भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है। अगर पाकिस्तान गौरी भी भेजे तो शायद गौरी भी उनका कुछ ना बिगाड़ सके। इस एक शख्स को पाकिस्तान समेत कई देशों के मुसलमान हीरो की तरह पूज रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि इसी की वजह से मध्य एशिया में ऐसे विस्फोटक हालात बने हैं। इसराइल की लड़ाई आतंकी संगठन हमास के साथ थी, लेकिन हिजबुल्ला का लीडर हसन नसरल्ला जबरन इस जंग में घुस पड़ा और आखिरकार मारा गया। नसरल्ला को ईरान ने पाला पोसा था, इसीलिए इसराइल पर सीधा हमला करना ईरान की मजबूरी बन गई। लगता यह है कि ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि उसकी जो प्रॉक्सीज है उसके ऊपर पैदर पे इसराइल हमले कर रहा है और ईरान कुछ भी नहीं कर रहा। फिर लेबनान पे भी हमला कर दिया, ईरान कुछ नहीं कर पाया। 150 के करीब हिजबुल्ला ने मिसाइल मारे हैं, जो लगा एक भी नहीं, रॉकेट मारे हैं। सिर्फ ये बताने के लिए कि हसन नसरुल्ला के बाद भी वो स्टिल अलाइव, लेकिन हालात खराब है, हेडलेस हो चुके हैं। लेकिन आज मेरा चीमा साहब आपसे भी ये क्वेश्चन है और 2 बिलियन मुसलमान और दूसरे लोगों से भी क्वेश्चन है, क्या आप अंधे आंखों से इसराइल को स्टडी नहीं कर पाते वो किस तरीके से दुनिया के काबज हो चुके हैं? आप कंपैरिजन देख ले, आपकी डायरेक्शन क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है? चीमा साहब, दुख के साथ ये कहूंगा कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के लोग जाते हैं बार बार, कल उस बंदे की स्टेटमेंट मेरे 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 दिल पर छुरी की तरह लगी। उसने कहा बाहर निकलो, शहादतें दो, शहादतें दो, इनकलाब, इनकलाब। बच्चा कासम तेरा किधर है भाईजान? उसको भी कॉल आ रही है में साले। मंगलवार रात ईरान के मिसाइल हमलों के साथ साथ तेल अवीव में 2 आतंकी शूटर्स भी घुस आए थे। इन्होंने मेट्रो स्टेशन और आसपास की जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग करके कम से कम 10 लोगों की जान ले ली। इस हमले को 26/11 के मुंबई हमले की तरह देखा जा रहा है। कट्टरपंथी इस्लाम के नाम पर जिस तरह पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठन भारत को निशाना बनाते हैं, इसराइल में ठीक यही स्थिति लेबनान, फिलिस्तीन और ईरान ने बना दी है। इसराइल चाहता था कि ईरान हमला करे, क्योंकि जो इन सब टेररिस्ट प्रॉक्सीज का जो मालिक है, जो क्रिएटर है, उसको लाया जाए मैदान में। इसके अलावा आप कोई चारा नहीं है। ईरान ऐसे ही लड़ रहा था जैसे पाकिस्तान भारत के साथ
प्रॉक्सियां चलाता रहता है, लश्कर तैयबा, जंगवी, लखवी, जैश मोहम्मद, दमातुद्दावा, ये सब जिस तरह चलाता रहा है पाकिस्तान और भारत से एक प्रॉक्सीज के जरिए अपनी जंग जारी रखा हुआ था, बुजदिलों की तरह, कायरों की तरह, इसी तरह ईरान भी इसराइल के साथ लगा हुआ था। इसराइल ने कहा बेटा अब तू बाहर आ और अब बहुत हो गया तेरी प्रॉक्सियों को, तो मैं तबाह कर रहा हूँ। अब ईरान के पास भी मजबूरी थी कि कोई रास्ता बचा नहीं था। पाकिस्तान में हमास जैसे आतंकियों के हमदर्द भरे पड़े हैं। हिजबुल्ला और हमास के साथ एकजुटता दिखाने वाला पाकिस्तान इसराइल को अपना दुश्मन नंबर दो मानता है। जाहिर है दुश्मन नंबर एक तो भारत ही है। इसीलिए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ यूएन में जाकर कश्मीर की तुलना गाजा से करते हैं, और जब जयशंकर उसी मंच से पीओके पर दावा करते हैं तो पाकिस्तान इसराइल मॉडल का हल्ला मचाकर आंसू बहाने लगता है। भारत के वजीर खारजा हैं, उन्होंने आजाद कश्मीर का जिक्र किया, उसको हमें सीरियस लेने की जरूरत है? मेरे ख्याल में सीरियस लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि उनकी जो मैं इस दफा स्पीच मैंने देखी है उसके जरा धमकी के मुझे बू आती है और उसमें जहरियाना बू आती है, और इसराइल के जो मॉडल है वो उनके जेन में है। उन्होंने कहा कि हर एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और हमें उसका तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया इसराइल एक्सेस बहुत स्ट्रांग है। एक चीज वाजे होगी, इसराइल ने जो भी किया है उसके पीछे मगरब की, अमेरिका की आशीर्वाद थी, और वो आशीर्वाद हिंदुस्तान के लिए भी है। बी वेरी क्लियर ऑन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो इनडायरेक्ट है कि इंडो इजराइल एक्सिस बन गया है। जो पेजर्स बेचे थे, जैसे बॉम्ब बने थे, वो इंडियन एक बंदे ने भेजे थे रिजन जोस, और उसके खिलाफ सर्च वारंट नॉर्वे ने इशू कर दिया आज। और उससे पहले आपको याद होगा कतर ने 8 इंडियन की सजाए मौत दी थी कि इजरायली एजेंट। लेकिन आप इत्तफाक करते हैं कि जब तक हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज नहीं करते तो हमारी इजरायल से और हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं हो सकती? सवाल ही पैदा नहीं होता। हिजबुल्ला लीडर हसन नसरल्ला के खात्मे के बाद पीएम मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की थी और आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता जताई थी। दूसरी ओर ईरान भी भारत का मित्र देश है जिसके साथ भारत की कई तरह की हिस्सेदारियां हैं। इसराइल और ईरान के बीच छिड़ रही इस जंग से भारत के लिए भी अप्रिय स्थिति बन रही है। बस इसीलिए इस जंग को भड़काने का जुनून पाकिस्तान के सिर पर इस कदर सवार है। ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है, ये लार्जली उनकी जो डिस्कशन है वो टेररिज्म के अराउंड है। नरेंद्र मोदी ने यह जिक्र नहीं किया कि आपने हिजबुल्ला के चीफ को मारा तो अच्छा किया। उन्होंने कहा है कि जो दहशतगर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मतलब ये कि जो हिजबुल्ला के चीफ को मारा है आपने ठीक किया। लेकिन याद रखें, इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ। सो इंडिया एक तरफ वेस्ट एशिया के अंदर ईरान के करीब रहना चाहता है बिकॉज उसको पता है एनर्जी सप्लाई लाइन में हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है, और चाबहार पोर्ट के हवाले से बड़ी ज़रूरत है। इंडिया इन चीज़ों को समझता है, दे नो दिस वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझ जाना है। और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं खींच के रखो। लेकिन एक चीज़ याद रखें, नरेंद्र मोदी जब बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन करते हैं तो भारत के अंदर जो दाएं बाजू की फोर्सेस हैं वो उछलती हैं, वो समझती हैं कि ये करना चाहिए, हमें बदला लेना है। जब हमास के आतंकी इसराइल में लोगों के घरों में घुसकर कत्ल करते हैं, रेप करते हैं और 250 लोगों को अगवा करके साथ ले जाते हैं तो पाकिस्तान में जश्न मनता है। जब ईरान इसराइल पर मिसाइलें बरसाता है तो भी पाकिस्तान में जश्न मनता है, लेकिन जब इसराइल जवाब देता है तो पाकिस्तान को इंसानियत और अत्याचार जैसे जुमले याद आने लगते हैं। अब ईरान पे जो हमला इसराइल करेगा उसमें आप मदद के लिए जाओगे? अब मैं तो नहीं कर जा सकता, क्योंकि लेकिन मैं मेरी